दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काइन मास्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में। इसके माध्यम से आप अपने वीडियोस को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं काइन मास्टर में और उस टूल्स के बारे में जानते हैं क्या है वो टूल्स और उसका यूज हम कैसे एडिटिंग में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन किया। उसके पहले आपको बता दें कि अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं हम अपना काइन मास्टर ओपन कर चुके हैं। हम यहाँ से एक प्रोजेक्ट लेते हैं, हमारा एक पहले का बना हुआ प्रोजेक्ट है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और इस एडिट आइकन पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने प्रोजेक्ट आ गया और हम यहाँ से एक के कोई लेयर ले लेते हैं और उस टूल्स को पहले दिखाते हैं। आपको बता दें कि विदाउट लेयर का आप उस टूल्स का यूज नहीं कर सकते। तो चलिए हम यहाँ से एक अपना लेयर में अपने चैनल का लोगो ही ले लेते हैं और उस पर आपको इस टूल्स को यूज करके बताते हैं कि आप कैसे प्रोफेशनल तरीके से इस टूल्स का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से अपना एक PNG इमेज को ले लिया जो कि हमारा चैनल का लोगो है, हमारा यूट्यूब का लोगो है। ये हमारे सामने आ चुका है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको डिलीट के जस्ट ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा की तरह का। तो इसी टूल्स के बारे में आज हम जानेंगे यह टूल्स क्या है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। दरअसल इस टूल्स के नाम की बात करें तो इसका नाम है एनिमेशन की टूल्स। इस टूल्स के माध्यम से आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी लेयर ऐड करते हैं उसे आप अपने इच्छा अनुसार एनिमेट कर सकते हैं, यानी कि आप जिस तरह चाहते हैं उसे एनिमेट करना, मूव करना, रन करना, उस तरीके से आप उसे एनिमेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एनिमेट करके कुछ तरीके आपको दिखाते हैं जिससे कि आप अपने वीडियोज में यूज करके एक प्रोफेशनल वीडियोज एडिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपना लेयर किया और इस पर सेलेक्ट किया हुआ है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर की अभी हाईलाइट है तो हमने इस की वाली बटन पर क्लिक किया। उसके पहले आपको बता दें कि आपको अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर कॉर्नर पर ले आना है। इसकी साइज़ आप चाहे तो इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से छोटा कर लिया और यहाँ पर इसे ड्रैग करके इस कॉर्नर के करीब लाया और इस की वाली जो ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद हम अपने थोड़ी सी प्रोजेक्ट को यहाँ से मूव कर लेते हैं। इसकी पर आपको क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को हल्का सा मूव कर लेना है जब तक यहाँ प्लस वाली आइकन हाईलाइट ना हो जाए। उसके बाद सिंपल से आपको अपने इस लेयर को यानी कि जो भी हमने इमेज डाला हुआ है उससे ड्रैग करके यानी कि आप जिस एंगल से उसे मूव करना चाहते हैं, एनिमेट करना चाहते हैं, उस एंगल से आप उसे ड्रैग करें। जैसा कि हम यहाँ से सिंपल सीधी में ड्रॉ करते हैं यानी कि इसे खींच रहे हैं, इतना खींचने के बाद सिंपल आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा स्लाइड करें इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से जो प्लस का नोड दिख रहा है एनिमेशन में तो सिंपल आपको इसको प्लस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ टिक मार्क पर क्लिक कर देना है। टिक मार्क पर क्लिक करते ही आप पाएंगे कि जो हमने यहाँ पर लेयर में अपना लोगो डाला था कुछ इस तरीके से यह वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल ये फास्टली वर्क कर रहा है। तो इससे स्लो वर्क कराने के लिए आप इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें और इसमें जो हमने लेयर डाला हुआ है अपना लोगो उसकी थोड़ी जो लेंथ है उसे आप बढ़ा लें। जैसा कि हम यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने जो लेंथ है अगर आप उसे बढ़ा लेते हैं तो आप में जो लेयर आपने जो कुछ भी डाला हुआ है वो थोड़ा स्लो इसमें मूव होगा। जैसा कि हम फिर से आपको यहाँ से दिखाते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने वीडियो में अपने लोगोज को, अपने टेक्स्ट को यानी कि कोई भी लेयर को आप मूव करा सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर अपना टेक्स्ट मूव कराना, जैसे कि हम अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिखें, पेस्ट कर दिया, यहाँ से हम कोई सा भी एक फॉन्ट ले लेते हैं और इस तरीके से हम इसे चाहते हैं कि हमारे जो नाम है हमारे चैनल का वो मूव करे। तो सिंपल आपको ठीक उसी तरीके से जाना है। आपको पहले अपने इस
टेक्स्ट को ऐड कर लेना है और इसको एडजस्ट कर लेना है कॉर्नर पर। फिलहाल हम इसे थोड़ा टॉप में कर रहे हैं, आप चाहे तो जिस एंगल पर चाहे जहाँ चाहे उधर कर सकते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा साइड में लाना है और एक की वाली जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मूव कर लेना है जब तक कि ये सॉरी अपने प्रोजेक्ट को इस पर सेलेक्ट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को इस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस की पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मूव कर लेना है जब तक कि यहाँ प्लस वाले आइकन ना दिखने लगे एनिमेशन में। उसके बाद सिंपल से आप अपने ऐसे जो टूल्स लेयर डाला हुआ है उससे ड्रैग करके जिस कॉर्नर पर चाहे जिस साइड पर चाहे उस एंगल पर ले जाए जिधर से आप इसे मूव करना चाहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लाया और अपने प्रोजेक्ट को ड्रैग करें और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर इसे लॉक कर दें और सिंपल सीधा टिक मार्क पर क्लिक कर दें। क्लिक मार्क पर क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट में लेयर डाला हुआ था जो भी टेक्स्ट लेयर वो रन कर रहा है, मूव कर रहा है। इस तरीके से आप बहुत ही प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और इसमें इफेक्ट आए तो यहाँ से आप इसे शेडो ग्लो दे सकते हैं, खासकर इसमें जो बैकग्राउंड है वो भी दे सकते हैं फुली बैकग्राउंड, जिससे कि आपका जो वीडियो है वो और ही प्रोफेशनल तरीके से दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी भी अगर आप चाहते हैं थोड़ी स्पीड बढ़ाना स्लो करना तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसकी लेंथ को यहाँ से बढ़ा दिया। उसके बाद अगर हम इसे प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आप इसे चाहे तो इसे टॉप में नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी रख सकते हैं। फिलहाल हमने आपको सैंपल के तौर पर मिड में रख करके बताया क्योंकि हमने नीचे पहले लोगो लगा दिया था। इस तरीके से आप अपने वीडियोज़ को एडिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपका वीडियो भी देखने में प्रोफेशनल लगेगा। तो दोस्तों यही था कुछ की एनिमेशन टूल जिसके माध्यम से हमने इस टूल्स का यूज़ जाना काइनमास्टर में और इसे कैसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं ये भी जाना। आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।